प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि पेपर किस तरीके से आता है हमारा एग्जाम में। तो प्रीवियस ईयर के पेपर आज हम डिस्कस करेंगे, तो सर सबसे मुझे पहले हम ना दो से बाईस से शुरू करते सर हैं। मुझे आंसर्स तो सारे वो हो गए, केसेस भी केसेस बाबा वो हो गए, लेकिन सर मेरे को ये जो एक्ट्स हैं आर्टिकल नंबर वो नहीं हो रहे सर मेरे को, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, सब एक दूसरे में मिक्स हो रहे सेक्शंस नहीं हो रहे, हैं सेक्शन। सेक्शंस जी तो हाँ जी सेक्शंस नहीं हो रहे। मेन मेन तीन चार चीजों के सेक्शन याद कर लो जो आपको लगता है कि, जैसे मान लो कि अपने फेवरेट पांच क्वेश्चन बना लो कि मेरे ये पांच क्वेश्चन फेवरेट रहेंगे, मतलब जो आपको अच्छी तरह से याद होंगे। सबके अलग अलग हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मेरी तरफ से, आप कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से पांच क्वेश्चन उठा लो, उनके सिर्फ सेक्शंस याद कर लो, बाकी किसी के सेक्शन मत लिख के आना, फिर भी मार्क्स मिलेंगे। ऐसी बात नहीं है कि मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन सेक्शन लिखने से थोड़ा ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं भाई, एक मार्क्स का फर्क पड़ जाता है, मतलब एक प्लस एक माइनस का ही फर्क पड़ता है सेक्शन लिखने से। मेन मेन जो आपको लगता है कि ये मेन है, जैसे किडनैपिंग, अबडक्शन, उस दो चार चीज़ों के सेक्शन याद कर लो, कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, जी लेकिन हर किसी के ना वो जरूर याद रखना, पनिशमेंट, हर क्राइम के पनिशमेंट याद रखना। अब ये जो हमारा पेपर है 2022 में आया था, इसमें पहले हम सेक्शन ए को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ग्रीवियस हर्ट बोल रहा है, तो ग्रीवियस हर्ट मतलब होता है घोर मतलब आपाति, मतलब बहुत नुकसान, आपने किसी को इतनी ज़्यादा चोट पहुंचाई है कि वो मरने की कगार पर पहुंच गया, डेंजरस टू लाइफ हो गया, तो वो ग्रीवियस हर्ट होती है। ये मेंटल भी हो सकती है, ये फिजिकल भी हो सकती है, ठीक है। मिसचीफ, मिसचीफ का मतलब क्या होता है, मिसचीफ भी पनिशेबल है ना, मतलब कोई ऐसी गलत हरकत आपने की है, जैसे चोरी और बेईमानी, चीटिंग, ये सब मिसचीफ में आता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जहाँ पे आप फैक्ट की गलती कर रहे हैं, मैंने दिन में ही आपको समझा दिया है, तो आपको ऑलमोस्ट पता है, ये मैंने दिन में आपको बताया, एक्ट बाय द चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 7 ईयर, एक्सीडेंट, ये भी बताया। अब मैंने एक चीज़ आपको बताई है कि जब भी हम चार मार्क्स का क्वेश्चन कर रहे होंगे जो सेक्शन ए का है, तो हम उसको पैराग्राफ के अंदर लिखने से बचने चाहिए हमें, क्योंकि अगर हमें चार में से तीन चाहिए, जैसे अगर हम पैराग्राफ लिखते हैं तो हम दो ढाई मार्क्स मिलते हैं हमें, लेकिन अगर हम चार में से हमें तीन प्लस चाहिए या तीन चाहिए, तो हमें उसके पॉइंट बनाने चाहिए, मतलब 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, पॉइंट पॉइंट करके देते हैं, 0.1, 2, 3, 4, इस तरीके से। तो उससे एग्जामिनर से अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि एग्जामिनर भी ये सोचता है कि चार मार्क्स से क्वेश्चन को चेक करने में मुझे ज़्यादा एफर्ट ना लगानी पड़े, कम एफर्ट लगानी पड़े। तो एग्जामिनर की मेंटेलिटी के हिसाब से आंसर लिखोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, तो उसको आप पॉइंट में लिख देना आंसर को। तो मान लो आपने 6 पॉइंट लिख दिए, चार मार्क्स के क्वेश्चन में 6 पॉइंट ठोक दिए, 3 पॉइंट आपके सही हो गए, 2 पॉइंट इधर उधर से थोड़े मैच कर रहे हैं, तो आपको आराम से 3+ मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने पैराग्राफ लिख दिया और शुरू में आपका थोड़ा लाइनें ठीक है, फिर बीच में आपको थोड़ा सा आ रहा था, तो आपने ऐसे ही मिला जुला के लिख दिया, और फिर लास्ट में जाके आपने पता नहीं क्या लिखा, आपको खुद को नहीं पता, तो एग्जामिनर उसको चेक करने के लिए तो टाइम खर्च होगा, पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा, पॉइंट जल्दी नज़र आता है, पैराग्राफ लेट से देखना पड़ता है, ध्यान से पढ़ना पड़ता है। तो 4 मार्क्स में वो आपको 2-2.5 मार्क्स में ही देके हट जाएगा, अगर अच्छा भी आंसर लिखा होगा तो, बहुत बढ़िया आंसर होगा तो भी, लेकिन इसमें क्या होगा, थोड़ा हल्का भी आंसर होगा तो 3 मिल सकते हैं आराम से 4 में से। तो इसी तरीके से आंसर को लिखना है, चाहे आप 3 ही पॉइंट लिखें, 4 पॉइंट भी नहीं आते, 3 ही आते, 3 ही लिख के छोड़ दें, तो 3 पॉइंट में भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे अच्छे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेंगे। अब जैसे छठा क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन किडनैपिंग एंड अबडक्शन, इधर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है डिटेल में, किडनैपिंग क्या होती है, अबडक्शन क्या होती है। तो सबसे पहले आप किडनैपिंग को डिफाइन करना, उसके बाद फिर किडनैपिंग कितनी तरह की है, ठीक है, दो तरह की ना, फ्रॉम लीगल गार्जियनशिप और किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, तो ये दोनों किडनैपिंग को लिख देना, फिर अबडक्शन की डेफिनेशन लिखना, फिर अबडक्शन के बारे में उसके कोई टाइप है तो वो लिख देना, अगर टाइप नहीं है तो खाली डेफिनेशन लिख के छोड़ देना, फिर डिफ्रेंशिएशन करना। अब डिफ्रेंशिएशन लिखने के दो तरीके हैं, टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, टेबल बना लो, इधर किडनैपिंग, इधर अबडक्शन, इधर लिख दो किस किस पॉइंट पे आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, दोनों के क्या क्या पॉइंट हैं, वो लिखते 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 चले जाओ, तो वो टेबुलर फॉर्म हो गया। अगर टेबुलर फॉर्म आपको नहीं आ रही है उस समय एग्जाम में, आपको याद नहीं है, पूरी पॉइंट याद नहीं है, तो आप टेबुलर को छोड़ के फिर क्या करें कि पैराग्राफ लिख दें, पैराग्राफ लिख दें, एक पैराग्राफ लिख दें पूरा किडनेपिंग के ऊपर, दूसरा पैराग्राफ लिख दें कि एबडक्शन के ऊपर, तो भी डिफरेंशिएशन माना जाएगा। या फिर आप क्या करें कि पॉइंट बना लें, किडनेपिंग डिफरेंशिएशन बिटवीन किडनेपिंग एबडक्शन, पॉइंट नंबर 1 किडनैपिंग की डेफिनेशन ये, अबडक्शन की है, पॉइंट नंबर 2 सोर्स ये, पॉइंट नंबर 3 इम्प्रेस में पनिशमेंट इतनी मिलेगी, पॉइंट नंबर 4 इस सेक्शन के अंदर कवर होता है किडनैपिंग, इस सेक्शन के अंदर होता है अडॉप्शन, पॉइंट नंबर 5 इलस्ट्रेशन दे दी दोनों की, इस तरीके से 6-7 पॉइंट बना दें जो भी आपको आ रहे हैं। एग्जाम में कभी इस बात से मत डरना कि आप लिख के आ रहे हैं, अगर आपकी हेडिंग सही है
और आपने उसके अंदर कुछ नियर बाय भी लिख दिया है नीचे एक्सप्लेनेशन, तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, आप पास हो जाओगे, बल्कि अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे, और स्टूडेंट से अच्छे मिलेंगे जिनको सब कुछ आता होगा। जिनको सब कुछ आता होता है वो गलती ज़्यादातर यही करते हैं कि वो ना हेडिंग नहीं लिखते हैं, तो हेडिंग ना लिखने की वजह से जब पैराग्राफ लिखते हैं तो एग्जामिनर को ना वो पैराग्राफ पढ़ने का इतना समय नहीं होता है, वो आपके थोड़े बहुत आंसर को पढ़ पढ़ा के मार्क्स इधर उधर दे देते हैं। तो इसलिए नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि जो बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं उनके मार्क्स कम आते हैं, तो उसका रीज़न ये होता है कि ओवर कॉन्फिडेंसी की वजह से वो बहुत सारा अच्छा आंसर लिख देते हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ बना देते हैं, एग्जामिनर उनको पढ़ते ही नहीं है इतने, मार्क्स देते नहीं। तो इसलिए आप कोशिश करना छोटे छोटे पैराग्राफ बनाना, तीन तीन चार चार लाइन के एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर हेडिंग्स, हेडिंग के ऊपर ज़्यादा जोर देना, क्योंकि हेडिंग लिखने से ना आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। सेडिशन, सेडिशन भी दिन में बता दिया था मैंने आपको, किसी भी क्वेश्चन मान लो जैसे ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ सेडिशन लिखा है, तो इसमें सबसे पहले डेफिनेशन दे दो, फिर कौन सा सेक्शन अगर आपको याद है तो ये इस सेक्शन में कवर्ड है, आईपीसी तो आपको पता ही है 1860, सबके अंदर लिख दिया करो कि आईपीसी के अंदर कवर है इंडियन पिनल कोड 1860, फिर उसका सेक्शन ये, सेडिशन ये, फिर सेडिशन के बारे में अगर आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता है तो इसकी हेडिंग डाल दो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि ब्रिटिशर्स लेके आए थे ये, किस लिए जो प्रोटेस्टर होते थे उनके अगेंस्ट, या फिर बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर उस समय निकलते थे जो उस तरह की मतलब कुछ मटेरियल छापते जिसे प्रोवोकेशंस होता था, मतलब क्रांतिकारी प्रवोक होते थे, तो इसलिए उनको रोकने के लिए एक ही ऐसा एक्ट बना दिया कि सबको एक साथ कुचला जा सके, तो वो सेडिशन, तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। फिर आफ्टर फ्रीडम इसको किस वजह से रखा गया उसके रीज़न बता दो, फिर साथ में ये बता दो कि इसके आफ्टर इफेक्ट क्या क्या हैं, जैसे इंटीग्रिटी सोवरेनिटी ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करना चाहिए, इंटरनेशनल रिलेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज है उनके अगेंस्ट कोई कुछ बोलेगा तो भी सेडिशन एक्ट लग सकता है, उस तरह के। और कोई एक एग्जाम्पल बना के लिख दो, कोई केस लॉ याद हो तो केस लॉ लिख दो, केस लॉ याद ना हो तो कोई एग्जाम्पल लिख दो उसका, ये एक सिंपल तरीका होता है पेपर अटैम्प्ट करने का, और जितना सिंपल तरीके से पेपर अटैम्प्ट करोगे उतने मार्क्स आपके बढ़ेंगे, जितना बहुत सारा जो बच्चे को होते हैं ना बहुत, मैं जी बहुत अच्छा आंसर लिखना है, एक्सेप्शनल आंसर लिखना है, बहुत सबसे अलग हटा के लिखना है, वो हमेशा ही कम मार्क्स लेके आते हैं। डिफाइन क्राइम, क्राइम को डिफाइन करना है, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम लिखना, ये भी हमने कल ही किया है, रिवाइज किया है। सबसे पहले क्राइम की डेफिनेशन लिख देना, जब भी क्राइम के बारे में कुछ भी पूछेगा ना तो मेंस रिया और एक्टस रिया तो आ ही जाएगा, तो मेंस रिया एक्टस रिया लिख देना, इसके बाद फिर एक इलस्ट्रेशन बना के किसी भी क्राइम की कहानी को बता देना, तो चार पांच लाइन आपकी वो भी कवर हो जाएंगी, वो इलस्ट्रेशन उसकी हेडिंग होगा इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल कुछ भी, ऐसे आपने लिख दिया कुछ भी बना दिया जो भी आपके मन में आया आपने बना दिया। फिर अगले हेडिंग में आप चले गए एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, आपने एक प्रॉपर हेडिंग डाल दी, प्रॉपर हेडिंग डाल के फिर आपने नंबर वन पे लिखा फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, चार ही एलिमेंट है इसके अंदर, चारों एलिमेंट आपने लिख दिए, अंदर आपने दो तीन तीन लाइन का बस एक्सप्रेशन लिख दिया सिर्फ एग्जामिनर को ये बताने के लिए कि मुझे पता है ये एलिमेंट क्या है, उसमें ज़्यादा कुछ कहानी वानी लिखने की जरूरत नहीं है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, सॉरी ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको 4 पेज भरने मिनिमम और मैक्सिमम 5 पेज, 6 पेज नहीं भरने, सिर्फ 5 पेज तक ही भरना, क्योंकि 5 पेज अगर हम 20 मार्क्स में भरेंगे तो हमारे 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने तो 15 पेजेस भर जाते हैं, फिर 10 वाले में हम टोटल कोशिश करेंगे मिनिमम 3 मैक्सिमम 4, तो 4 से भरेंगे 2 क्वेश्चन करने में तो 8, तो 15 और 8 23 पेज हो जाते हैं, टोटल 28 पेज की शीट आती है, तो एक एक पेज बच जाएगा सेक्शन ए के लिए, तो सेक्शन ए के हर क्वेश्चन को एक पेज में कवर कर लेंगे, चार चार पॉइंट लिखेंगे बढ़िया तरीके से फैला कर, तो बस हमारा कवर हो जाएगा पूरा पेपर। एक चीज़ और, आपने कभी इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ी होंगी, पेपर के पीछे इंस्ट्रक्शन लिखी आती है पेपर किस तरह अटैम्प्ट करना, उसमें एक इंस्ट्रक्शन में ये भी लिखा हुआ है कि हमेशा नया आंसर फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है। बहुत सारे बच्चे ये भी गलती करते हैं कि जैसे शीट आधी भरी तो आधी शीट में भी नया क्वेश्चन शुरू कर देते हैं, वो एक गलती है, क्योंकि क्लियरली एग्जामिनेशन के जो आंसर शीट के पीछे जो इंस्ट्रक्शन लिखी होती है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि फ्रेश पेज से ही नया आंसर शुरू करें, तो इसलिए आपको फ्रेश पेज से ही नया आंसर शुरू करना है, आपको ये नहीं करना कि शीट में थोड़ा सा गैप बच गया चलो भाई इसको भी यूज़ कर लो और नया आंसर आपने वहीं से शुरू कर दिया आधी शीट से, तो आधी शीट से कभी शुरू नहीं करना। एक रूल जो मैं हमेशा ही आपको बताता हूँ पेपर अटेम्प्ट करने का कि दोनों साइड मार्जिन छोड़ दो, अच्छा मार्जिन इतना बड़ा बड़ा भी मत छोड़ दो एग्जामिनर को ये लगे कि भाई इसने तो शीट भरने का ये तरीका निकाल लिया, एक जो हमारा नॉर्मल स्केल होता है मतलब बड़ा वाला स्केल नहीं छोटा वाला स्केल जो बच्चे स्कूल में यूज़ करते हैं ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल आता है, उस स्केल के बराबर गैप छोड़ दो दोनों साइड, उससे क्या होगा तो आपकी शीट जल्दी भर जाएगी। दूसरा जब आप हम हेडिंग लिखते हैं ना तो हेडिंग लिखते हैं 2 लाइन का एक्सप्रेशन करते हैं फिर हेडिंग लिखते हैं, तो हमारा शीट ऑलरेडी जल्दी भरने लग जाती है, मतलब आपको लगेगा कि टाइम भी कम खर्च हो रहा है और शीट भी जल्दी भर रही है, वो इसलिए होने लगता है क्योंकि एक तो हेडिंग से पेपर अच्छा लगता है देखने में,
दूसरा क्या होता है, शीटें ऑटोमेटिकली भरने लग जाती है, क्योंकि एक दूसरे हेडिंग के बीच में आप एक लाइन का गैप तो छोड़ोगे, एक लाइन का नहीं छोड़ते तो कम से कम वो वर्ड लिखोगे वो आधी लाइन को कवर करेगा, एक लाइन तो आपकी भरी गई, फिर आप अगले में आ जाएंगे इसको शुरू करने के लिए। तो इस तरीके से आपका जल्दी बढ़ता है। अब मान लो कि टाइम कम बचा हो कभी और पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन बच गए हों, ऐसी कभी स्थिति आ जाती है कि मान लो कि 45 मिनट बचे हैं, ऐसी बता दिया एग्जामिनर ने जो वहाँ पे इनविजिलेटर है कि 45 मिनट आर लेफ्ट, 45 मिनट्स आर लेफ्ट, और आपके हाथ पैर फूल गए कि मेरे तो 3 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे कि जल्दबाजी में अगर कभी पेपर करना पड़ जाए तो आप फ्रेश पेज से नया आंसर शुरू करो, सेंटर में लिखो आंसर टू क्वेश्चन नंबर ये, उसके बाद आप क्या करो उसके डेफिनेशन लिख दो 3 लाइन की, फिर आप उसके जितने पॉइंट आपको आते हैं पॉइंट लिखो, 3 लाइन छोड़ दो, पॉइंट लिखो, 3 लाइन छोड़ दो, पॉइंट लिखो, 3 लाइन छोड़ दो, पॉइंट पॉइंट लिख दो, खत्म हो गया क्वेश्चन आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही अटैम्प्ट करो, तीसरा भी ऐसे, तीनों क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट कर लिया, आधा घंटा करीब खर्च हो गया, 15 मिनट बचे। अब आप वापस से लौट के आओ और जितने आपने लाइनें छोड़ी हुई थी उसमें आप जल्दी जल्दी कोशिश करो कि आप हर को एक एक लाइन लिख दो, एक एक लाइन खाली छूट जाए तो एक एक लाइन भर जाए, एक एक लाइन सबकी भर गई, अब भी समय आपके पास बचा हुआ है तो उसको और थोड़ा थोड़ा स्प्लेस कर दो। तो इससे क्या हुआ, आपका पेपर छूटेगा नहीं, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसमें ये होगा 20 नंबर के क्वेश्चन में अगर आपने हेडिंग हेडिंग सही लिख दी है तो आपको 10 मार्क्स आराम से मिलेंगे, मतलब जरा सा लिखने से आपको 10 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 10 मार्क्स का आपका गेन हो रहा है, जबकि पेपर छूट जाएगा अगर एक क्वेश्चन को कम्प्लीट हम अटैम्प्ट करने बैठ जाए। 45 मिनट में 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो सकते, एक या 1.5 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट होगा तो 1-1.5 क्वेश्चन छूटेगा, तो उससे हमारा लॉस ज़्यादा होता है। तो इसलिए इस चीज़ को बचाने का तरीका ये है कि आप इस तरीके से पेपर अटैम्प्ट कर दो, मतलब पेपर पूरा अटैम्प्ट होना चाहिए, हमेशा कोशिश करनी चाहिए, कुछ भी छूटे ना, चाहे आता हो चाहे ना आता हो, ना आता हो तो भी लिख दो उसको, किसी भी तरीके से लिख दो पर लिख दो। फॉर एग्जाम्पल मान लो सेक्शन सी में इतने टफ क्वेश्चन आ गए कि आपको 3 क्वेश्चन का चॉइस ही नहीं, मतलब सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आपको आते हैं, तो पहले 2 क्वेश्चन अच्छी तरह वाले लिख दो, उसके बाद 1 क्वेश्चन बना बना के जो थोड़ा बहुत याद हो, नहीं याद हो तो हिंदी पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, कुछ तो आपके समझ में आएगा ही, 2-3 वर्ड को पकड़ के डिफाइन करना शुरू कर दो। मान लो जैसे 13 क्वेश्चन है, लॉ रिलेटिंग टू द कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी, अब आपने कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी कभी सुना नहीं, तो आप क्या करोगे, आप इसके वर्ड की ब्रेकिंग शुरू कर दोगे, कंस्ट्रक्टिव यानी कि किस चीज़ को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टिव फिर लाइबिलिटी है, तो आप कंस्ट्रक्टिव को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, फिर आप लाइबिलिटी को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, फिर आप क्या देखोगे कि 34 और 149 है, यानी कि कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, फिर आप कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर दो अगर आपको सरा आता है तो। इस तरीके से क्या होगा, आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा और आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि जब हम वर्ड को ब्रेक करते हैं तो कुछ ना कुछ हमें समझ में आने लगता है, हिंदी पढ़ते हैं तो कुछ समझ में आने लगता है, तो ये हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये क्राइम वाला क्वेश्चन हो गया, उसके बाद अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस, अब हम केवल क्वेश्चन वही डिस्कस करेंगे जो हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस नहीं किए, क्योंकि बाकी सबके डिस्कशन की रिकॉर्डिंग आपके पास है तो वो सुन लेंगे आप, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी काफ़ी पेपर को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, 4-5 पेपर डिस्कस कर लें। तो हमने प्राइवेट टू डिफेंस ये भी कर लिया है, डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, हम थेफ्ट को भी डिस्कस कर चुके हैं कि थेफ्ट क्या है और थेफ्ट डकैती कब बन जाता है, ठीक है, ये भी हम दिन में बता चुके हैं आपको। अब व्हेन डज कल्पेबल होमिसाइड अमाउंट टू मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड कब मर्डर होता है और कब नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होता है, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट भी डिस्कस कर लिया। अब मान लो यही पेपर आ गया आपको और आपको सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप चॉइस कैसे लेंगे इसके अंदर कि कौन सा मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँ, तो आप अपने हिसाब से बताओ सब कौन कौन सा क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करोगे, मतलब 9, 10, 11, 12, 13, ये सारे क्वेश्चन आपको आते हैं, वैसे तो सारे ही आते हैं, सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं क्लास में, सर एक बार 12 बता दो, 12वां नंबर। ये तो मैंने कल ही बताया, अब रिकॉर्डिंग सुनना से मिलेगा आपको। अभी आप ये बताओ कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, सर मैं तो 9, 10 और 11। 9, 10 और 11, ओके, और बाकी लोग, बाकी कोई अटेम्प्ट नहीं करेगा, सब छोड़ के आएंगे। चलो मैं एक बार कल्पेबल होमिसाइड को ऊपर से थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जब हमारी इंटेंशन होती है किसी को मारने की और हम उस इंटेंशन के साथ उसको बॉडी इंजरी देते हैं कि वो मर जाए, मतलब कोई भी ऐसे हम रिसर्च करके जाते हैं, हम पढ़ के जाते हैं, हम समझ के जाते हैं कि इसको यहाँ मारेंगे तो व्यक्ति मर जाएगा, तो वो कल्पेबल होमिसाइड अमाउंट टू मर्डर होता है, मतलब हमारी गिल्टी इंटेंशन है, हमारी गिल्टी एक्ट है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड अमाउंट टू मर्डर है। लेकिन जहाँ पर हम इस इरादे से नहीं जाते लेकिन मर्डर हो जाता है तो वो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है, उसमें हमारी गिल्टी इंटेंशन नहीं होती लेकिन हमारा एक्ट गिल्टी होता है, तो हमें सज़ा होती है लेकिन कैपिटल पनिशमेंट नहीं होती, मैक्सिमम पनिशमेंट नहीं होती उस एक्ट की,
यही है कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग मर्डर। बाकी डिटेल में समझना है तो आपके पास रिकॉर्डिंग है, उसका एक बार फिर से फॉरवर्ड रिवाइंड करके सुन लेना। सर कैपिटल पनिशमेंट का भी कोई क्वेश्चन आता है सर इसमें? नहीं वो इसमें नहीं आता, कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर जो विवाद है वो आपके पास नहीं है, वो आईपीसी है। आईपीसी में मतलब ऐसा कोई विवाद नहीं है, वो सोशियोलॉजी वगैरह में और सब्जेक्ट में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसमें नहीं आता। ओके सर। अब ये जो क्वेश्चन है जैसे आप मान लो कि 9, 10 और 11 आपको अटेम्प्ट करना, सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो आपको ज़्यादा अच्छा आता हो। ये जरूरी नहीं है कि 9 के बाद 10, 10 के बाद 11 ही मुझे अटेम्प्ट करना है, मैं पहले 11 भी अटेम्प्ट कर सकता हूँ, मैं पहले 13 भी अटेम्प्ट, जो मुझे सबसे अच्छा आता होगा ना उससे शुरू करूँगा। और सबसे पहले सेक्शन सी से पेपर शुरू करना, फिर सेक्शन सी के 3 अटैम्प्ट करना, 3 अटैम्प्ट करने के बाद सेक्शन बी में जाना, सेक्शन बी के बाद लास्ट में सेक्शन ए को जल्दबाजी में अटैम्प्ट करना। कितना कितना टाइम लगाना है क्वेश्चन में, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न होता है स्टूडेंट्स के मन में, कितना टाइम लगाना है मुझे। तो 25 मिनट से लेकर 30 मिनट तक आप लगाएंगे सेक्शन सी के क्वेश्चन के अंदर। मान लो 25 25 मिनट के 3 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए तो कितने घंटे हो गए? सब सो गए, बोलो कितने घंटे हो गए? सर 1.5। 1.5 आवर एक्सप्रॉक्स हो गए, लेकिन 15 मिनट उसमें ही बच गए, 1 घंटा 15 मिनट हुए, 5 5 मिनट बच रहे थे ना, 25 25 मिनट बोला मैंने। तो ये कितना लग रहा है आपको? 1 घंटा 15 मिनट। अब आपके पेपर तो 3 घंटे का है, अब आप सेक्शन बी में कितना टाइम देंगे मैक्सिमम? मैक्सिमम टाइम देंगे हम 15 मिनट, तो 15 15 मिनट 2 क्वेश्चन हो गए आधे घंटे, मान लो 1.5 घंटा लगा, आधा आधा घंटा लगा दिया आपने लिखने में, आधा घंटा तो लिख ही सकते हैं, इतने में तो आप आंसर लिख ही लेंगे 4 5 पेज का, इतनी तो आपकी स्पीड स्लो नहीं होगी कि आप आधे घंटे में भी लिख पाएंगे। तो आधा 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 घंटा 1.5 घंटा हो गया, आधा घंटा आपको सेक्शन बी में लग गया 15 15 मिनट, 3 3 पेज का आंसर लिखने में, तो आपके 2 घंटे हो गए, 1 घंटा फिर भी बच गया। तो 1 घंटा बचना तो बहुत बड़ी बात है। अब अगर किसी क्वेश्चन में मान लो कि किसी क्वेश्चन के आपको बहुत अच्छा आंसर आता है और आप सोच रहे बहुत अच्छी तरह से लिखूंगा, कुछ गलती करूंगा ही नहीं, तो आपने आधे घंटे ज़्यादा लगा दिए उसमें, 20 मिनट लगा, मतलब 30 की जगह 40 मिनट लगा दिए, तो 10 मिनट आप वहाँ एक्स्ट्रा खर्च कर गए, कहीं और फंस गए आप, कुछ सोचने में आपको रह गई, गड़बड़ हो गई, तो उस सब चीज़ों के लिए 1 घंटा आपका जो काम करेगा। अब जो हम बात करते हैं सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए को जब हम अटैम्प्ट करते हैं ना तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि 10 से 12 मिनट में सारे क्वेश्चन कर दें, सेक्शन ए के 5 के 5 क्वेश्चन कर दें, क्योंकि हमें चार चार पॉइंट ही तो लिखने हैं इसके अंदर, तो चार चार पॉइंट लिखने में कितनी देर लगती है? 3 3 मिनट, 4 4 मिनट, तो 15 15 मिनट के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन ही खत्म कर दें, सारे 10 से 15 मिनट में 5 क्वेश्चन कर लें। तो ये हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट हो सकता है पेपर अटैम्प्ट करने का। इसी तरीके से अटैम्प्ट होता है पेपर, अगर आप इससे ज़्यादा कुछ टाइम लगा देंगे तो गड़बड़ है मामला। कभी ये मत करना कि एक आंसर मुझे बहुत अच्छा आता था मैं 6 पेज भर दूँ उसके अंदर, तो उससे क्या होगा, बाकी पेपर का बैलेंस बिगड़ जाएगा, क्योंकि अदर क्वेश्चन के लिए स्पेस नहीं बचेगा, फिर आपको शीट कम पड़ जाएगी और एक्स्ट्रा शीट मिलने का तो प्रोविज़न ही नहीं है सीसीएसई में। तो ये आपका पूरा हो गया क्वेश्चन कवर्ड। अब हम अगले पेपर में चल रहे हैं, अगला पेपर जो हमारा सीसीएस यूनिवर्सिटी का, उसको देखेंगे कौन सा है। 2022 वाला तो मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ, अब हम देखेंगे 2022 के बाद कौन सा है पेपर, 2021 का हुआ। जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है ना, इन सबको एग्ज़ाम के टाइम पर जरूर एप्लीकेबल करना, उसी तरीके से पेपर अटैम्प्ट करना, इधर उधर फालतू चीज़ उसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सेंटर में एंट्री नहीं लेते, 45 मिनट पहले रूल होता है एग्ज़ाम का कि बच्चों की एंट्री शुरू हो जाती है, बहुत सारे बच्चे लास्ट मिनट में एंटर करते हैं, 15 मिनट रह जाते हैं, दोस्तों के साथ बातें करते रहते हैं, बाहर डिस्कशन करते रहते हैं, बहुत बाद में जाके वो एंटर करते हैं, तो उनसे क्या होता है कि उनका जो वो आगे का जो होता है ना, हमें जो नाम भरना है, नहीं नाम तो भरते ही नहीं है, रोल नंबर वगैरह भरने हैं, कॉलम करने हैं, ठीक है, OMR शीट को भरना है, वो सब में टाइम बहुत खर्च होता है, तो इसलिए अगर टाइम से एंटर कर जाएंगे तो हौच पौच नहीं होगा। इसके अलावा हम पेपर शीट होने से पहले दोनों साइड लाइनें बना के रख लें शीट के अंदर, ताकि हमारा वो पेज भी बच जाए। फिर हम एक काम और करें कि जो इंस्ट्रक्शन हम कभी नहीं पढ़ते आंसर शीट पर, जो इंस्ट्रक्शन लिखी होती है वो इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लें, 10 12 इंस्ट्रक्शन होती हैं, वो इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें एक इंस्ट्रक्शन ये भी होती है कि हमेशा जो नया आंसर है फ्रेश पेज से शुरू करें, ऐसा स्टूडेंट को इंस्ट्रक्ट किया जाता है। और जो स्टूडेंट फ्रेश पेज से नहीं शुरू करेगा उसके तो मार्क्स कटेंगे ना फिर, क्योंकि जब आपको एग्जामिनर ये इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि आपको फ्रेश पेज से आंसर शुरू करना है, फिर आप पुराने पेज में
जो है आधी बची हुई सीट से शुरू कर रहे हैं अपना स्पेस बचाने के लिए, तो गड़बड़ है। तो इसलिए इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लेना, किसी दिन तो टाइम मिलेगा ही, पांचों पेपर में कोई एक दिन आपको टाइम मिलेगा तो आप जरूर इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना उसको। वो इंस्ट्रक्शन हर पेपर में सेम ही होती है क्योंकि आंसर शीट तो सब में सेम ही आती है। अब ये 2021 का पेपर है, इसमें पहला आ रहा है आपको 4 मार्क्स में डिसऑनेस्टी। तो डिसऑनेस्टी क्या होता है? बेईमानी। तो बेईमानी में तो आप लिख ही लोगे, मुझे लगता नहीं बेईमानी को भी एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत है। तो बेईमानी को आप लिख देना, ठीक है। अब कपटपूर्ण, फ्रॉडुलेंटली, कोई आपसे फ्रॉड कर रहा है, फ्रॉड एक्टिविटी कर रहा है। तो इसमें ना देखो, जिसका कोई आईपीसी में फ्रॉड की कोई डेफिनेशन करेक्टली है नहीं, तो आप क्या करो, कुछ भी लिख दो और एक एग्जाम्पल लिख दो इसके अंदर। जब भी ऐसा कुछ आ जाए जिसको आपको प्रॉपर ना पता हो, आप एग्जाम्पल कहानी बना के लिख दो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे उसके अंदर। पीछा करना, स्टॉकिंग करना, ये तो गर्ल्स में आता है, वुमेन्स एक्ट में आता है, ये आईपीसी में भी क्राइम है वैसे। तो इसको आप क्या लिखेंगे, इसको भी आप बना जाना के तो लिख ही लेंगे मेरे ख्याल से, तो कोई आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फ्रॉजरी, फ्रॉजरी सर मतलब क्या सर होता है? कॉपी करना किसी का सिग्नेचर या कोई डॉक्यूमेंट। हाँ, मतलब किसी डॉक्यूमेंट की, मतलब किसी असल की नकल तैयार करना, वो फ्रॉजरी होता है। झूठी डॉक्यूमेंट तैयार करना, झूठे सिग्नेचर करना, झूठी चेकबुक बनाना, ये सब के लिए भी आईपीसी में जो है सजा है। अवैध डॉली इन के पेस, अपराध करने में अक्षम, एक व्यक्ति जो अपराध करने में अक्षम है, सर ये जैसे चिल्ड्रेन वो चाइल्ड के लिए ना, वो less than 7 year old ये वो है। वो उसके लिए भी है, और ये इनसेन पर्सन के लिए भी है। जो पर्सन इनसेन होता है, अनसाउंड माइंड होता है, वो अपराध करने में अक्षम है। वैसे जो बच्चा 0 से 7 ईयर का होता है उसके लिए। अब सिक्स्थ क्वेश्चन आ गया इसका। सिक्स्थ क्वेश्चन में इसका क्या दे रहा है, डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो ये बताइए, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये मैंने आज ही वैसे आपको एक्सप्लेन किया है, ये आज हमने इसी से क्लास शुरू की थी। तो क्या होता है, मतलब किसी चीज़ को आपने मिस प्रेजेंटेशन किया है इस नियत से कि आप उसको धोखा देना चाहते हैं, चीटिंग करना चाहते हैं, फ्रॉड करना चाहते हैं, तो वो क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन कहलाता है। बाय मिस्टेक आपसे ऐसा हो गया हो तो वो क्राइम नहीं है। जहाँ पे आपकी गिल्टी इंटेंशन हो, आपका एक्ट भी गिल्टी हो, तो वहाँ पे क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन जो है वो क्राइम है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपने किसी का भरोसा तोड़ दिया, मतलब उसने भरोसा करके आपके ट्रस्ट करके आपको कोई चीज़ दिया, आपने उसका अनऑथराइज यूज़ किया, तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। इसका एक्सप्लेन आंसर आपको असाइनमेंट में मैंने दे रखा है, मैं आप पढ़ के सुनाना नहीं चाहता, इसलिए आप उसको खुद ही पढ़ लेना। बलवा और दंगा, राइट और एफरे, ये तो बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कुछ है तो बताओ, आप कुछ बोल सकते हो दो दो लाइनों में, तो क्या बोलोगे? सर एफरे होता है दो लोगों के बीच में लड़ाई पब्लिक प्लेस पे, और मतलब पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर रहे यस हैं, सर, और रायट में तो सर मतलब बहुत सारे दंगे, लोग मिलके दंगे कर रहे हैं। किसी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पर, ये सब राइट्स होते हैं। अब ये बताओ, गुड फेथ इन गुड डिफेंस इज अ क्रिमिनल केस, इन अ क्रिमिनल केस, मतलब गुड फेथ, अगर आपने अच्छे विश्वास के साथ कुछ काम किया लेकिन वो गलत हो गया, तो आपको क्रिमिनल केस के अंदर डिफेंस मिलेगी। क्या डिफेंस मिलेगी? इस वजह से बचाव हो सकता है आपका, यस सर, यस, क्योंकि हमारे क्रिमिनल एक्ट में आईपीसी में शुरू में ही बता दिया है कि मेंस रिया होना जरूरी है। अगर गिल्टी इंटेंशन के साथ आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको सजा मिलेगी, अगर आपका इंटेंशन गिल्टी नहीं है तो आपको कोई भी लॉ सजा नहीं दे सकता है। तो गिल्टी इंटेंशन मतलब मेंस रिया और एक्टस रिया दोनों प्रूव होने चाहिए, तभी आपको जो है क्रिमिनल माइंड माना जाएगा और आपको सजा मिलेगी। मान लो मैंने घर में बैठ के अपने भाई को मारने की पूरी प्लानिंग कर ली, एक दिन मेरा भाई मर गया लेकिन मैं तो उसको मारने गया ही नहीं था, तो मेरे को सजा नहीं मिलेगी क्योंकि मेरी मेंस रिया तो गिल्टी थी लेकिन मेरा एक्ट नहीं था, तो एक्ट ना होने की वजह से मैं बच जाऊंगा, मुझे सजा नहीं मिलेगी। क्योंकि सोचने से सजा नहीं मिलती ना, करने से सजा मिलती है। अच्छा, गुड फेथ का मतलब ये, मैंने अच्छे विश्वास के साथ, फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति बुखार आ रहा था, उसको मैंने अपने घर में से उसको पीसीएम की टैबलेट ला के खिला दी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मर जाएगा, वो गोली खाते ही मर गया, जबकि मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, मेरा इंटेंशन था कि उसकी बुखार उतर जाए, उसका फीवर ठीक हो जाए, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा रिएक्शन हुआ उस दवाई की वजह से कि वो मर गया। मैंने मैंने एग्जाम्पल दिया इस तरीके का आपको,
तो उस व्यक्ति की मौत में मेरा रोल जरूर है, लेकिन मुझे उसके लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो भी किया है वो गुड फेथ में किया है, अपने अच्छे भावना के साथ किया, अच्छे विश्वास के साथ किया, इस वजह से। तो अगर मान लो यही पेपर आ जाए आपको, और सिक्स सेवन, सिक्स क्वेश्चन आपका ये था, सेवन और एट, इसमें दो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तो कौन से दो करेंगे? तीन पेज में आंसर लिखना है। तो मेरे हिसाब से आप करोगे सिक्स या सेवन, या फिर सेवन और एट, मतलब सेवन तो करोगे ही करोगे, क्योंकि इसको तो छोड़ ही नहीं सकते। अब जिसको क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल बीच में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो वो गुड फेथ कर लेगा, गुड फेथ इज़ अ गुड डिफेंस, इसका आंसर आराम से वो बना सकता है। चलिए अब सेक्शन सी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन आ गया, आपको डिफाइन करना है क्राइम क्या है, डिस्कस करना है आपको क्राइम और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द क्राइम। वहाँ पे एलिमेंट ऑफ क्राइम था, यहाँ पे स्टेजेस ऑफ क्राइम है। तो दोनों मैंने आपको बता रखे, स्टेजेस भी चार होती हैं, तो चारों स्टेजेस आप लिख लेंगे, डिफाइन कर देंगे क्राइम को। अच्छा, सब जगह ना जहाँ पर भी पॉसिबल हो इलस्ट्रेशन लिख देना। अगर आपको केस लॉज में प्रॉब्लम हो तो आप जो है इलस्ट्रेशन लिखे आना एग्ज़ाम में। तो इलस्ट्रेशन लिखने से ये फ़ायदा होगा कि आपके केस लॉज के मार्क्स मिल जाएंगे आपको, जितने मार्क्स केस लॉज लिखने से मिलते हैं उतने मार्क्स आपको इलस्ट्रेशन लिखने से मिलते हैं, क्योंकि जिस भी बच्चे को केस लॉज याद नहीं होते वो यही करें। अब आ गया आपका कल्पेबल होमिसाइड, व्हेन कल्पेबल होमिसाइड डज नॉट अमाउंट टू मर्डर, कब ये मर्डर नहीं होता है। तो ये भी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, कल्पेबल होमिसाइड की जो लैटिन वर्ड है, इसका जो मीनिंग है, जिसमें ह्यूमन है और कैडर को डिफाइन किया गया, वो बताना है इसके अंदर। फिर उसके बाद कब ये नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होता है ये बता देना। फिर कुछ एग्जाम्पल लिख देना, इलस्ट्रेशन तैयार करके इसमें लिख देना, कोई केस लॉज याद हो तो वो लिख देना, नहीं याद हो केस लॉज तो इलस्ट्रेशन बना के लिख देना, अपने एग्जाम्पल लिख देना, कोई भी आपको मन में जो आता है वो लिख देना एग्जाम्पल। फिर इसकी पनिशमेंट लिख देना, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, जैसे कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट, सेक्शन 149 और सेक्शन शायद 34 है। ये आपको दोनों इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि ये काफ़ी रिपीट होता है, या तो 10 में हो रहा है या फिर 20 में हो रहा है। अब है राइट टू प्राइवेट डिफेंस, ये भी लगातार दूसरे साल रिपीट हो गया, 21 में भी आया, 22 में भी आया। अब अगला है अबेटमेंट, अबेटमेंट क्या है और अबेटर कौन होता है, ये मैंने ही आपको दिन में अभी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। मान लो यही पेपर आ गया आपका, तो 9, 10, 11, 12, 13, इनमें आप कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे? तीन क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है। सर 9 और 13 तो पक्का है, फिर ओके, 11 या 12 में से कोई भी। सर मैं 12th करूंगी, 9, 12th एंड 13। मतलब कोई भी क्वेश्चन आप जो करोगे ना, उसमें एक चीज़ की कोशिश करना कि आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको अच्छे से आता हो, जिसमें आपको थोड़ा बहुत भी डाउट हो ना, उसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना। पहला दूसरा क्वेश्चन अच्छा रखना है अपना, ताकि एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़े, मतलब जब वो आपका पेपर चेक करना शुरू करे तो शुरू से उसका इंप्रेशन आपका मतलब जम जाए। तो जब इंप्रेशन हमारा जम जाता है ना, और हर पेज करेक्ट करेक्ट चलने लगता है, तो बीच में जो इनकरेक्ट होता है ना वो भी करेक्ट हो जाता है गलती से, क्योंकि फ्लो में चलने लगता है ना, हाथ करेक्ट 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 फ्लो में चलने लगता है। तो आप भी कभी एग्जामिनर बन के किसी, जैसे ट्यूशन पढ़ाते हैं बहुत से बच्चे, बच्चों की हम कॉपी चेक करते हैं ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते, तो हमारा हाथ जब फ्लो में चलने लगता है, लगातार 10-20 कॉपियाँ चेक करनी है, तो हम भी फ्लो में चलाने लगते हैं, मतलब करेक्ट करेक्ट तो करीब भाई गलत को भी करेक्ट हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करना कि शुरुआत अच्छी रहे, बिगनिंग के 10-12 पेज आपके बिल्कुल बढ़िया ही तैयार हो, मतलब दो क्वेश्चन कम से कम अच्छे आंसर तैयार हो जाए जिसमें कोई दिक्कत ना हो। तो ये पेपर भी आपका हो गया 2021। अब एक पेपर और देख लेते हैं फटाफट से, जो है हमारा 2020 वाला लॉ ऑफ क्राइम। मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन देख रहे हो ना, तो वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको असाइनमेंट में कवर करा रखे हैं, कोई नया सा क्वेश्चन इसमें नज़र आ नहीं रहा है। 4 मार्क्स की तो कोई गारंटी नहीं होती, वो कहीं से उठा के कुछ भी पूछ लेता है, इसलिए 4 मार्क्स के बारे में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। अब ये 2020 का पेपर है, जो दिसंबर 2020 में आया था, इसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन है इंजरी। इंजरी क्या होती है, रॉन्गफुल गेन क्या है, यह है कूटकरण, यानी कि काउंटर फैले फैटेड। अब ये कूटकरण क्या होता है तो मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता। अब है दृश्य रत्ति का, यानी कि वर्गीकरण, अब ये भी नहीं पता, मुझे भी इसका आंसर नहीं पता, मिस्चीफ पता है। तो ऐसा हर बार हो सकता है कि आपको भी ना पता, तो जिसके बारे में पता है उसके बारे में लिख दो, और जिसके बारे में नहीं पता ना उसको भी लिख देना आंसर, छोड़ना नहीं, कुछ तो लिखना।
एक मार्क्स में मिल जाए तो क्या बुराई है भाई, अगर एक का भी प्लस हो रहा है तो प्लस तो हो ही रहा है ना एग्जाम के मार्क्स में आपका, तो इसलिए लिख जरूर देना, चाहे आता हो चाहे ना आता हो, जीरो ही होगा ना, वैसे भी जीरो है ना लिखने से, तो लिखने से कुछ तो प्लस होगा, इसलिए लिख देना, जरूर लिख देना। अब अगला है वन रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ये मैंने आपको बताया ही है, एक्सप्लेन कर ही रखा है कि क्या होता है। अब है अगला किडनैपिंग और अबडक्शन, ये तो अभी 2022 वाले पेपर में भी आया था और इसमें भी है किडनैपिंग अबडक्शन। कंसेंट इज अ गुड डिफेंस इन अ क्रिमिनल केस, अब ये तो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि जब हम गुड फेथ के साथ कोई भी काम कर रहे हैं, नहीं सॉरी, कंसेंट इज अ गुड डिफेंस, मतलब किसी की मर्जी से हमने क्राइम को परफॉर्म किया। फॉर एग्जाम्पल ए ने खुद हमें बोला कि भाई ऐसा है कि आप मेरे घर में आके चोरी कर लो, और हम उसके घर चले गए चोरी करने के लिए और हम पकड़े जाते हैं। तो इस आपराधिक मामले में अगर कंसेंट शामिल है प्रिंसिपल की, वो अपना सामान खुद ही लुटवाने के लिए तैयार है, तो फिर हमारे पास चोरी का कोई केस नहीं बनता, क्योंकि हम परमिशन से काम कर रहे हैं। परमिशन मतलब क्या होती है, उसने परमिशन अलाउ मतलब किया, उसने खुद अलाउ किया हमको, अपनी कंसेंट हाँ, दी है। मतलब अपनी कंसेंट दे दी उसने, अगर कंसेंट से उसने ये काम कराया तो ठीक है। अगला है आपका डिफाइन करना है आपको क्राइम, और डिस्कस करना है डिफरेंट स्टेजेस अप टू कमिटिंग अ क्रिमिनल एक्ट, ये भी है स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल एक्ट, ये तो हमने ऑलरेडी कर ही लिया। चार स्टेज होती है इसकी, चार ही एलिमेंट होते हैं, चार स्टेज होती है, तो लिख देना इसको। कल्पेबल होमिसाइड डज नॉट अमाउंट टू मर्डर, कब कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर के केस में नहीं, मतलब मैक्सिमम पनिशमेंट जो होती है वो नहीं होती इसके अंदर। एक्सप्लेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, ये बहुत बार आ रहा है क्वेश्चन जो है, प्राइवेट डिफेंस, कल्पेबल होमिसाइड और क्राइम, एलिमेंट ऑफ क्राइम, स्टेजेस ऑफ क्राइम, तो ये जो लगातार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपका कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, ये हो गया किडनैपिंग अबडक्शन, ये बार बार आ रहा है, तो इन्हीं क्वेश्चन को ज़्यादा तैयार कर देना। मतलब अपने फेवरेट 5 क्वेश्चन बना लो एग्जाम के, जैसे मान लो असाइनमेंट में टोटल मान लो 18 क्वेश्चन है या 20 क्वेश्चन है, आप अपने 5 क्वेश्चन फेवरेट तैयार कर लो। फेवरेट क्वेश्चन का मतलब जो आपको सबसे अच्छे आते हैं, जो आपको सबसे अच्छे याद हुए हैं, जिस पे आपकी पकड़ अच्छी है, उन क्वेश्चन को फेवरेट कहने का ये मतलब है कि वो अच्छी तरह से याद कर लो सेक्शंस के साथ, उसके अंदर जो भी एक्ट है, जो लॉज है, केस लॉज है, वो सब याद कर लो। आप केवल उन्हीं क्वेश्चन को फोकस करके चलो, बाकी सब क्वेश्चन को हल्के में पढ़ के चलो, क्योंकि उससे क्या होगा, एक तो स्ट्रेस कम हो जाएगी आपको एग्ज़ाम की, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो भी एग्ज़ाम बिगड़ जाता है, उसमें एग्ज़ाम देने में फिर मज़ा नहीं आता, इसलिए स्ट्रेस कम से कम लेनी चाहिए एग्ज़ाम के टाइम पर। 5-6 क्वेश्चन फेवरेट कर लो, 6 क्वेश्चन में से 3 भी आपके अटक गए तो आपके पासिंग मार्क्स तो पक्के हो गए। पासिंग मार्क्स पक्के होने का ये मतलब है कि आप पास हो जाओगे आराम से, उसके बाद बाकी आप जो भी पढ़ के आए हो, जो सुन के आए हो, जो क्लास में आपने सुना है, उसके बेस पर आप कुछ ना कुछ लिख ही दोगे, तो आपके आराम से 60 मार्क्स तक बन जाएंगे। तो 60 मार्क्स बहुत होते हैं CCS यूनिवर्सिटी के अंदर। अब ये पेपर भी आपका कंप्लीट हो गया 2020 वाला, इसमें 2-3 क्वेश्चन थे 4 मार्क्स वाले जो गड़बड़ से थे, जो मेरे को भी नहीं समझ में आया था। अच्छा, इसमें रह गया अभी 12वां क्वेश्चन रह गया, व्हाट इज थेफ्ट, थेफ्ट क्या होता है, व्हेन द ऑफेंस बिकम एक्सटॉर्शन, कब थेफ्ट जो है वो एक्सटॉर्शन बन जाता है, कब जो थेफ्ट है रॉबरी बन जाता है, और कब जो है थेफ्ट डकैती बन जाता है, ये मैंने आपको दिन में सब डिस्कस कर दिया थे, तो एक बार उन वीडियो को दोबारा से सुन लेना। अब यहाँ पे किसी 4 को वो करना है, आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अब ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए जो क्वेश्चन के अंदर ही चॉइस, 13 क्वेश्चन में 5 दे दिए और 4 के ऊपर लिखना है, तो आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे या उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे जो जैसे थेफ्ट वाला है, प्राइवेट डिफेंस वाला है, कल्पेबल होमिसाइड वाला है, तो किसको अटेम्प्ट करना पसंद करोगे? सर 13 तो करेंगे, उसमें ज्यादा वो है, इजी है। देखो एक और बात होती है इसके अंदर, मान लो इसके 4 पार्ट हो गए तो 4 पार्ट 20 मार्क्स, यानी कि एक पार्ट 5 मार्क्स का हो गया, तो इसमें क्या है, अगर हर पार्ट में आपको 3-3 मिलते हैं तो 4 3 12 मार्क्स मिल सकते हैं, 4 4 मिलते हैं तो 16 मिल सकते हैं, लेकिन उतने में जो 20 मार्क्स वाला लिखोगे ना, उसमें काफ़ी अच्छा आंसर लिखोगे, तब आपको 15 के आसपास मार्क्स मिलते हैं, नहीं तो आपके 12 13 12 13 में फंस के रह जाता है क्वेश्चन, तो इस वाले में ज़्यादा चांसेस होते हैं जब ब्रेक हो जाते हैं मार्क्स, तो ब्रेक होने से क्या होता है, ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हो जाते हैं, जो एक बड़े क्वेश्चन में मिलने की उम्मीद थोड़ी सी कम हो जाती है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको सारे पॉइंट आते हो तो इसी को अटैम्प्ट कर लेना। टाइम ज़रूर इसमें ज़्यादा लगेगा लिखने में,
लेकिन मार्क्स भी ज़्यादा हो सकते हैं इसके थ्रू। ये हो गया आपके टोटल 13 क्वेश्चन कवर हो गए। इसमें भी कोई ऐसा क्वेश्चन था नहीं बी और सी सेक्शन में जो हमारे असाइनमेंट में कवर ना हो या जो हमें आता ना हो, ये हमने सब कर ही लिया है। आप 2019 का पेपर देख लेते हैं, 2019 का लॉ ऑफ क्राइम। तो 2019 से पहले का पेपर जो है ना वो ओल्ड कोर्स का है, क्योंकि 2019 में हमारा सिलेबस चेंज हुआ था, CCS यूनिवर्सिटी ने सिलेबस चेंज किया था 2019 में, तो उसके बाद वाले ही पेपर आपके लिए काम के हैं। उससे पहले वाले पेपर आप देख सकते हो, सिलेबस तो सेम ही है लेकिन वो ओल्ड कोर्स के पेपर है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है फ्रॉजरी, दूसरा क्वेश्चन है पर्सन। अब यहाँ पे पर्सन को डिफाइन करना है, तो पर्सन की डेफिनेशन कैसे लिखोगे? यहाँ पे कौन से पर्सन की बात कर रहा है? पर्सन जो हमारा IPC के अंदर डेफिनेशन दे रखी है ह्यूमन की, पर्सन की, वो डेफिनेशन लिखनी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल व्यक्ति की परिभाषा नहीं लिख देनी है कि जिसके पास दो हाथ हों, दो पैर हों, ऐसा व्यक्ति जो दिमाग रखता हो वो पर्सन नहीं। यहाँ पे IPC में बताना है आपको कि कौन पर्सन के डेफिनेशन में कवर है, किसके ऊपर पर्सन की डेफिनेशन लागू होती है, IPC के अंदर किसको ह्यूमन बोला गया है वो बताना है। डिसऑनेस्टी क्या है, बेईमानी क्या है, वॉलेंट्री, वॉलेंट्री मतलब स्वेच्छा से, मर्जी से कोई काम किया जाए तो, अब है गुड फेथ, अच्छी भावना के साथ कोई काम करें तो उसके लिए कभी सजा होती नहीं है, गुड फेथ के लिए ये एग्जेम्पशन है। अब बी सेक्शन में 3 क्वेश्चन आए, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, मेंस रिया और राइट्स एंड एफ्रे। तो ये एट्रे लिखा हुआ है, वैसे एट्रे नहीं है, ये एफ्रे ही है। तो ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन में से आप 2 ही करोगे, 7 8 आपको अच्छी तरह से आते हैं। रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस भी कर सकते हैं, ये भी आपको थोड़ा बहुत तो आता ही है। तो राइट्स और एफ्रे तो करोगे करोगे, बार बार हमने पढ़ रखा है इसको इस वजह से। अब सेक्शन सी में हम देख लेते हैं, तो सेक्शन सी में हम देखेंगे तो हमारे पास है यहाँ पे, हमें क्या लिखा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, वही क्वेश्चन है जो आज हमने जैसे क्लास शुरू की थी। फिर है एक्सटॉर्शन अमाउंट टू रॉबरी, कब एक्सटॉर्शन जो है रॉबरी बन जाता है, मतलब डकैती बन जाता है, सॉरी रॉबरी बन जाता है एक्सटॉर्शन। और कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, कल कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होता है। डिफाइन द क्राइम, क्राइम को डिफाइन करना है और स्टेजेस ऑफ क्राइम बतानी है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, कभी एलिमेंट पूछ रहा है कभी स्टेजेस पूछ रहा है। अब है जॉइंट लाइबिलिटी अंडर द इंडियन पीनल कोड, IPC के अंदर जॉइंट लाइबिलिटी क्या होती है? ये मैंने वो बैंक रॉबरी वाला जो आपको एग्जाम्पल दिया था, इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं वो सभी इक्वल पार्टनर होते हैं और इक्वल लाइबिलिटी उनको लगती है। जैसे मान लो एक व्यक्ति ने किसी गार्ड को मारा तो मौत की सजा सबको होगी, अगर सबके ऊपर मर्डर केस चलेगा उस केस के अंदर। तो यहाँ पर मैंने आपको तो पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और हमने देख भी लिया कि हमारे असाइनमेंट से बाहर कुछ भी नहीं आ रहा है। अब हमें कोशिश ये करनी है कि हमें एग्ज़ाम में भी अच्छा प्रेजेंटेशन देना है। कल आपका एग्ज़ाम है तो जितना पढ़ना आज पढ़ लेना, सुबह कोशिश करना कि बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले बहुत कुछ पढ़ते हैं तो बहुत सारा मिक्सअप हो जाता है माइंड में जाके। तो कोशिश करना क्लियर ही रहे। और मैंने एक तरीका आपको बताया है कि अपने कुछ फेवरेट क्वेश्चन बना लो, 5 6 फेवरेट क्वेश्चन। फेवरेट क्वेश्चन का ये मतलब होता है कि ये क्वेश्चन मुझे करने हैं अच्छी तरह से याद, बाकी सब क्वेश्चन को केवल मैं पढ़ के जाऊंगा या जाऊंगी, उन क्वेश्चन को मैं बिल्कुल ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। जो मैंने सुन लिया है सर की क्लास में वो मुझे थोड़ा बहुत याद रहेगा, थोड़ी बहुत इलस्ट्रेशन मुझे याद है, मैं बना बुनू के लिखे दूंगा कैसे भी करके, लेकिन ये मेरे फेवरेट क्वेश्चन है, अगर ये आएगा तो मैं इनको छाप दूंगा इसका आंसर। तो छाप देने का मतलब ये होता है कि एज इट इज आंसर लिख दूंगा जैसा बुक में है वैसा, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वेश्चन तैयार नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 6 ही क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ। तो ये सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी होती है एग्ज़ाम के लिए कि हम बहुत सारे के ऊपर मेहनत ना करें, थोड़े के ऊपर मेहनत कर लें। अगर 6 में से हमारे 3 भी क्वेश्चन फंस जाते हैं, मान लो 20 20 के 2 ही फंसते हैं, तो 40 तो हमारे अच्छे हो सकते हैं, 40 में हमारे 30 तो आएंगे, 32 तो आएंगे ही आएंगे, तो हमारा आधा तो टेंशन ख़त्म हो गया पास होने का। फिर बाकी क्वेश्चन में हम कुछ तो लिख के आएंगे तो हमारे मिला जुला के 60 आराम से आ जाएंगे। तो आप देखेंगे इस आइडिया से आपके हर पेपर में 55 60 55 60 स्कोर हो जाएगा। और अगर किसी बार आपके पूरा दाव चल गया और 6 के 6 क्वेश्चन आपके आ गए, फंस गए, तो फिर आपका स्कोर आराम से 70 क्रॉस कर लेगा, क्योंकि वो छाप होने वाली बात हो जाएगी, यानी कि आपको एक एक चीज़ बारीकी से याद होगी उन क्वेश्चंस की। और उसके उलट अगर आप असाइनमेंट के दोनों पार्ट याद करने में लगे पड़े हैं कि क्रैश कोर्स 1 भी कर ले, सर ने बोला था क्रैश कोर्स 2 भी कर ले, इसी में से पेपर आएगा, लेकिन क्वेश्चन इतने ज़्यादा हो गए कि 18 19 क्वेश्चन हो गए, मैं पढ़ते पढ़ते थक गया, सब मेरे माइंड में जाके मिक्सअप हो गया, एग्ज़ाम के टाइम पे अलग अलग ही नहीं हो पा रहा, मैं किसी की पनिशमेंट किसी में लिख के आ गया,
किसी की पनिशमेंट किसी में लिख दी, किसी का सेक्शन कहीं फिट हो गया, किसी का सेक्शन कहीं फिट हो गया, तो गड़बड़ हो गई। तो ऐसा गड़बड़ मत करना, 6 क्वेश्चन याद कर लो, अपने फेवरेट बना लो, क्योंकि लास्ट टाइम पे लास्ट मोमेंट में इसी तरह पढ़ा जाता है। और कल सुबह कम से कम पढ़ के कोशिश करना कि माइंड को फ्री रखो, जितना फ्री रखोगे उतना अच्छा, एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वही 6 क्वेश्चन को बार बार आप पढ़ते रहना, बस जो आपने 6 क्वेश्चन अपने फेवरेट बनाए हैं उन्हीं 6 क्वेश्चन पे आप मेहनत करते रहना, ज़्यादा इधर उधर आप चक्कर में पढ़ना ही नहीं। इसके अलावा मैंने बताया आपको कि एग्जामिनेशन हॉल में टाइम से एंटर करना, दोस्तों के साथ गप्पे मत मारना, ऐसा ना हो कि 15 मिनट पहले भागे भागे एंटर कर रहे हैं, फटाफट आंसर शीट ली, जल्दी जल्दी से उसको ओएमआर शीट को फिल कर रहे हैं, फिर पेपर भी शुरू करना है वरना टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो 45 मिनट पहले एंट्री खुलती है, 45 मिनट पहले ही आप एंट्री ले लेना, आराम से जाना, रिलैक्स होके बैठना, टॉयलेट जाना हो टॉयलेट जाके आना पहले से ही, फ्री होके बैठ जाना, सबसे पहले आंसर शीट ले लेना, लेके ओमेर शीट को अच्छी तरह से पढ़ पढ़ के फिल कर देना, जो गोले लगाने होते हैं ना, जो ब्लैक करने, उसको तरीके से करना, उसमें भी क्योंकि कंप्यूटराइज होता है ये, इसमें सिस्टम हो जाएगा, आपका रिजल्ट होल्ड हो जाएगा, एक भी गोला गलत हो गया तो बेकार में आपको प्रॉब्लम होगी, प्रूव करना पड़ेगा कि ये मेरी शीट है, जब भी ऐसा कुछ हो गया तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स के लिए भी। तो इस तरह की इस चीज़ में फंसना नहीं। फिर उसके बाद आप पूरी आंसर शीट के अंदर 28 से 28 पेज पर दोनों साइड लाइनें मार लेना, लेफ्ट राइट दोनों साइड आंसर शीट पर लाइनें मार लेना। जब भी कोई भी सेक्शन शुरू करोगे, मानो सेक्शन सी शुरू कर रहे हैं, तो सेंटर में बीच में लिखना सेक्शन सी, फिर लिखना आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 10, 11, जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वो, मतलब ASWER आंसर, TO2, QUESTION क्वेश्चन, NUMBER भी लिख सकते हो और NO भी लिख सकते हो, नंबर 1, 2, 3 जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो वो लिख दो, फिर उस पूरे क्वेश्चन के आंसर को अटेम्प्ट कर देना। मान लो कि अटेम्प्ट करते करते 3.5 पेज भर गए, तो आपको अब आधे पेज में नया क्वेश्चन शुरू नहीं करना, आपको उस पेज को पलट लेना है, शीट को टर्न ओवर कर देना है, अगले पेज पर फिर लिखना है दोबारा से, सेक्शन सी का ही कर रहे हैं, जब भी दोबारा लिखना है सेक्शन सी, फिर लिखना आंसर टू क्वेश्चन नंबर 9 या जो भी आपका 13 है, जो भी आप कर रहे हैं वो लिख दो, फिर उसका आंसर पूरा लिख दो, फिर ऐसी सेक्शन बी भी लिखना, ऐसे सेक्शन ए के भी हर क्वेश्चन के ऊपर सेक्शन ए लिखना, सेक्शन ए के जो आंसर है वो 4 पॉइंट में लिखना, 5 पॉइंट में लिखना, पॉइंट में लिखना, पैराग्राफ में लिखने से हमेशा बचना, लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही ना, कोई क्वेश्चन ऐसा टेढ़ा मेढ़ा आ जाए फिर पैराग्राफ में लिख देना, मतलब आपको लगे कि भाई अगर मैंने पॉइंट में लिख दिया तो पॉइंट तो मुझे आता ही नहीं है, तो फिर आप पैराग्राफ में लिख देना उसका आंसर, ज़्यादा उसके अंदर अपनी मतलब होशियारी मत दिखाना, पैराग्राफ लिख देना, कुछ भी ना आता हो तो एग्जाम्पल बना के लिख देना, एग्जाम्पल बनाने से भी 1 मार्क्स तो दे ही देगा आपको एग्जामिनर 4 में से। मान लो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया था जो मुझे भी नहीं आता था, तो अगर मेरे मैं पेपर देने बैठूंगा और मुझे ना आता हो कोई क्वेश्चन, तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसके अंदर कुछ भी लिख के आऊँगा कि चाहे मुझे आधा ही मिल जाए, प्लस तो हो ही रहा है ना, गेन तो हो ही रहा है। फिर मैंने आपको आंसर लिखने का भी टाइम लिमिट बता दिया कि हर एक क्वेश्चन जो 30-20 मार्क्स का है वो आधे घंटे में आपको लिख के कंप्लीट करना है, घड़ी लेके जाना, घड़ी हमेशा नॉर्मल वॉच होनी चाहिए, जिसको खोल कर डेस्क पर रख देना, हाथ में बार बार टाइम देखने में दिक्कत होती है, सामने रख दोगे तो आपको टाइम दिखता रहेगा, आधे घंटे में आपको लिखना है सेक्शन सी का हर आंसर, आधे आधे घंटे 1.5 घंटे में सेक्शन सी कंप्लीट करना है, 10 मिनट एक्स्ट्रा ले सकते हैं किसी क्वेश्चन के लिए, किसी में फंस जाते हैं, कोई और प्रॉब्लम हो गई तो 10 मिनट एक्स्ट्रा ले सकते हैं। फिर सेक्शन बी की बात करें तो 15-15 मिनट में आंसर लिखने की कोशिश करना, ज़्यादा और टाइम चाहिए तो 20-20 मिनट ले लेना, इतना टाइम करते करते आपके 2.25 घंटे पूरे हो जाएंगे, 2.25 घंटे पूरे हो जाएंगे, 45 मिनट पूरे बचेंगे सेक्शन ए के लिए, बहुत ज़्यादा है सेक्शन ए के लिए, आप 15 मिनट में सेक्शन ए लिख लोगे, 4-4 पॉइंट ही तो लिखना है, 15 मिनट में सेक्शन ए लिख लिया, आधा घंटा बच गया, तो दोबारा से आंसर को रीड करना शुरू कर देना, जहाँ पे आपने देखो हर आंसर की हेडिंग बनानी है, जो ब्लैक पेन से लिखनी है, आंसर को ब्लू पेन से लिखना है, जितनी कोशिश करो हेडिंग हो जाए क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि हेडिंग से मार्क्स जल्दी मिलते हैं, एग्जामिनर के लिए जितना ईजी कर दोगे एग्जामिनर आपके मार्क्स भी उतने बढ़ा देगा, जितना एग्जामिनर के लिए टफ कर दोगे पेपर चेक करना, उतना एग्जामिनर आपके मार्क्स कम कर देगा, तो इसलिए कोशिश करो कि एग्जामिनर के लिए पेपर लिखो, अपने लिए नहीं, क्योंकि वही तो चेक करने वाला है, वही हमारा मार्क्स देने वाला भगवान है, तो उसी को खुश करना है, तो इसीलिए कोशिश ये करो कि पेपर को इस तरह अटेम्प्ट करो कि एग्जामिनर के लिए इजी हो जाए, तो जितना उसके लिए इजी कर दोगे उतना वो आपके लिए इजी कर देगा पेपर, जितना उसके लिए टफ कर दोगे चेक करना, राइटिंग खराब हो आपकी, गंदी राइटिंग हो, तो सबसे अच्छा तरीका है गंदी राइटिंग जिनकी भी है वो हॉच पॉच करके ना लिखें, वो खुला खुला लिखने की कोशिश करें, मतलब हेडिंग लिखे 3-4 लाइन का एक्सप्रेशन लिख दे, फिर हेडिंग लिखे 3-4 लाइन का एक्सप्रेशन लिख दे, तो एग्जामिनर को एटलीस्ट हेडिंग तो पढ़ने में समझ में आएगी,
अगर आपका पैराग्राफ समझ में नहीं आएगा तो वो हेडिंग से ही पढ़ के जज कर लेगा कि हाँ बच्चे को आता है, उसको इस टॉपिक की पकड़ है। तो सेक्शन भी नहीं लिखोगे, मान लो आपने सेक्शन भी नहीं लिखा, तो भी आपके आराम से 50 60 70 नंबर तक आ जाएंगे। कुछ और आपके डाउट हो आपको पूछना, मैंने तो बहुत कुछ आपको बता दिया, कुछ आपको पूछना है तो बताओ। सर आपके अकॉर्डिंग वो 6 7 क्वेश्चन कौन से होने चाहिए, मतलब जो मेरे अकॉर्डिंग तो करने। बनेंगे ही नहीं ना, वो आपको अपने अकॉर्डिंग अपने फेवरेट क्वेश्चन हैं, सबके अलग अलग हो सकते हैं। मैंने तो बीच बीच में बताया, जैसे जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, डिफाइन क्राइम, एलिमेंट ऑफ द क्राइम, प्राइवेट डिफेंस, कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है, कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, ये सारे क्वेश्चन देखा ना बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो यही तो हमारे फेवरेट क्वेश्चन है। बाकी अपनी अपनी चॉइस सबकी, लेकिन मेरा अगर मैं खुद पढ़ता था तो मैं इसी तरह ही पढ़ता था, इसलिए आपको ही मैं वही स्टेज बताता हूँ जिस तरह से मैं पढ़ता था। मैं इसी तरह से पढ़ता था, बुरा नहीं पढ़ के जाता था, कभी मैंने सिलेबस आज तक बुरा नहीं किया, हमेशा मैं अपने फेवरेट क्वेश्चन ही करके जाता था और उन्हीं से पास हो जाता था, अच्छे मार्क्स आ जाते थे। तो हमें भी 60% लाने हैं, अगर जुडिशरी करनी है तो कम से कम एटलीस्ट 60% तो बनाना ही है, तो इस 60% बनाने का यही तरीका है। जो कोशिश कर रहा होगा कि मैं तो पूरा पढ़ के जाऊंगा, एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा, दोनों क्रैश कोर्स कर ही लूंगा ताकि कुछ भी आ जाए मैं कर सकूँ, वो कहीं ना कहीं फंस जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि अब तक आपने सारा पढ़ लिया ठीक है, अब आखिरी रात है, जैसे कहते हैं कयामत की रात है, अब कल जो होना है वो तो होना ही है, तो आज की रात अंतिम रात है। एक बार थी ना जो रावण जब लास्ट युद्ध करने जाता है रामायण में, उसमें एक सॉन्ग बजता है, आज की रात है अंतिम रात, ऐसे कुछ गाना है, आज है कयामत की रात, ऐसे कुछ है, कल है सब पर भारी, ऐसे कुछ है वो। तो वही गाना आपके लिए भी तो एप्लीकेबल होता है कि जो पढ़ना है आज पढ़ना है, कल तो आपको एप्लीकेबल करना है उस चीज़ को, कल तो आपके लिए अंतिम है, आज मतलब आज की रात आपके लिए लॉ ऑफ क्राइम के लिए अंतिम है, तो आज की रात ही अंतिम है, सब कुछ आज ही होना है, जो फैसला करना है आज करना है, पढ़ लोगे आज तो कल पास हो जाओगे, आज नहीं पढ़ोगे तो कल रह जाओगे। वैसे मेरी शुभकामनाएं सबके साथ है, सब अच्छे नंबर से पास हो और अच्छे मार्क्स आए, ताकि आप और बच्चों को आगे रिकमेंड करते रहो, जब आप एडवोकेट बन जाओ या कोई जज बन जाए आप में से, तो कम से कम याद तो करोगे कि अभी मैंने पढ़ाया था आपको। चलिए फिर क्लास को कंप्लीट कर रहा हूँ मैं, कोई और डाउट है कुछ पूछना है तो पूछ ले, मेरे पास जितना ज्ञान था मैंने आपको सब दे दिया। कोई डाउट? नो सर, अब तो कोई डाउट